Hey guys, welcome back to my channel AR Vlogs. Hopefully आप सब ठीक होंगे. तो आज लेके आया वीडियो एक Altroz के ऊपर. तो ये मैंने अभी रिसेंटली बाई करी है 29th December को. तो मैंने सोचा इसका एक रिव्यू हो जाए और आपको भी बता दें कि गाड़ी कैसी है. और इस बार टाटा ने दिस दिसंबर ह्युंडई के बाद, अब सॉरी मारुति के बाद, क्योंकि फर्स्ट सेलर है जो मारुति है, उसके बाद ह्युंडई थी, और अब टाटा आ गई है ऊपर सेकेंड सेलिंग, सबसे टॉप सेलिंग में आ रही है टाटा. क्योंकि टाटा के ऐसे फीचर्स हैं और ऐसा सब कुछ है इसके अंदर, तो मैं आपको भी बताता हूँ. और मैंने भी क्यों लिया है इसके अंदर, क्या मेरे को ऐसा लग रही, तो मैं भी बलिनो ले सकता था, स्विफ्ट ले सकता था, जो इससे कम प्राइस रेंज में आ जाती और कुछ कुछ सेम फीचर्स आ जाते. बट कुछ कुछ सेफ्टी के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा था कि मतलब सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो मारुति कार हमें पता है कि अगर गलती से भी थोड़ी बहुत लोकली हल्की फुल्की कहीं लग जाती है तो बम्पर और कुछ ना कुछ तो डैमेज कुछ ज़्यादा ही आता है उस गाड़ियों में. तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका थोड़ा रिव्यू. होगी थोड़ी बहुत बेइज्जती है, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, कि वो भी अब टॉप सेलिंग ब्रांड है चाहे जैसा भी है. तो ये गाड़ी है पेट्रोल है आपके सामने जो खड़ी है. मैंने इसको अराउंड 700 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है अभी तक इतने दिनों में. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इनको बंद नहीं करा सकते इनका भी. तो ये हमारी कार है जो हमें पड़ी अराउंड 9.5 लाख रुपये की ऑन रोड विद नंबर पर. अभी मैंने ये चंडीगढ़ से बाय करी थी और मेरा एड्रेस पंचकुला का है, तो ये मेरे को यहाँ से रजिस्टर करवानी पड़ेगी, तो जिसका अराउंड 68,000 समथिंग इसका पेमेंट होगी. और बात कर लेते हैं अब इसकी फ्रंट की. तो मैं सही बताऊँ, मैं इसकी लुक्स करके ही इसके ऊपर फिदा हो गया था. इसकी लुक्स कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है. जो टाटा ने पहली गाड़ी निकाली जितने टाइम बाद, जिसके कर्व्स इतने ज़्यादा अच्छे बनाए हैं. तो फ्रंट की बात कर लो तो काफ़ी स्पोर्टी सा लुक आ जाता है इसका. पीछे से मैं आपको बाद में दिखाई दूँगा. पहली बात तो 5-star रेटेड गाड़ी है. इसमें एक चीज़ है कि इसके हेलोजन लैंप्स हैं ये दोनों. ये हमारी DRL ऑन हो रखी है अभी, वो शायद कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा. ये भी हमारी फॉग लैंप येलो है, इसकी सारी लाइट्स येलो आती हैं. टाटा की आप कोई भी कार बाय कर लो, इवन सफारी कर लो, हैरियर कर लो, सबकी लाइट्स येलो ही देती है कंपनी, डोंट नो वाई. तो फ्रंट से कुछ ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा मतलब अब मैं क्या बताऊँ. और अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर. तो 16 इंचेस के इसके अंदर अलॉय व्हील्स आते हैं, 16 इंच के अलॉय व्हील, डायमंड कट अलॉय व्हील है. पर ये 4 स्पोक्स हैं, 5 स्पोक्स नहीं है, बट लुक एट द एंड अच्छी है. एक चीज़ मुझे जो कमी लगी, जो हमारा ये इंडिकेटर है वो यहाँ पे लगाने के बजाय हमारे यहाँ पे होना चाहिए था, जो टॉप मॉडल्स में आता है, क्योंकि यहाँ पे आता है इंडिकेटर, बट इस कार में वहीं पे दिया गया है. इवन इन द टॉप मॉडल, ये टॉप मॉडल कार है पेट्रोल. डीजल उस टाइम मिल नहीं रही थी क्योंकि 3 महीने की बुकिंग हो रही थी और मुझे गाड़ी बहुत जल्दी चाहिए थी, बिकॉज इससे पहले मैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. तो डुअल टोन में आती है गाड़ी. इसके साथ 2 कीज़ भी हैं जो मैं लाना भी भूल गया हूँ. मैं आपको घर जाके उसकी वीडियो दिखा दूँगा. और वो घड़ी टाइप है जो हमारी वॉच है, वही हमारी की होती है. चलो मैं आपको बाद में बता दूंगा, कि डॉग्स आते रहेंगे, प्लीज़ माइंड मत करना. तो साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो यहाँ पे अभी थोड़े कर्टन्स लगा रखे हैं जस्ट ऐसी लुक के लिए. और मेरे को इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये डिज़ाइन, जिसका पूरा डिज़ाइन भी ऐसे गाड़ी का बनाया कि ऐसे पीछे को थोड़ी सी उठ रही है गाड़ी. और अलॉय व्हील्स तो 16 इंच ही हैं इसमें शुरू से, बट जो डिग्गी में रिम आता है वो 15 इंचज़ का रिम है. अब वो पता नहीं क्यों कंपनी देती है इसके अंदर. आ जाते हैं पीछे से बात कर लेते हैं गाड़ी का. तो अब बात कर लेते हैं इसकी बैक की. तो यहाँ पे टेल लैंप है, टेल लैंप तो सॉरी ये होता है, ये हमारी ब्रेक मारता है जो वो जब लाइट जलती है जो वो है ये. और यहाँ पे नीचे भी लाइट दी गई है, ये शायद मुझे फॉग के लिए दी होती है, मतलब जब फॉग टाइम हो या फिर कुछ अपना स्पेसिफिक रीज़न हो तब चलाना होता है. ये दो जो हैं ये दोनों चलते नहीं हैं, दोनों रिफ्लेक्टर हैं. इसके लिए बटन दिया गया है अंदर जाने के लिए, वो आपको भी दिखा दूंगा. और Altroz की ये बैजिंग है तो काफ़ी अच्छी लगती है. और एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अब कोई भी मॉडल में हम कोई भी मॉडल ले लो, आप बीच का ले लो, टॉप ले लो, मॉडल का नाम साथ में नहीं लिखा होता, सिर्फ गाड़ी का नाम होता है. कैमरा यहाँ है. और ये बैक लाइट इसकी पूरी ब्लैक, पहले से ही मॉडिफाइड है, कुछ कराने का मन ही नहीं करता. बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा एरिया खुला हुआ है जहाँ से हमारी लाइट आनी है. तो ये शायद इसका रिवर्स वाला एरिया है या फिर इंडिकेटर है ये मेरे ख्याल से बैक का. तो ये इंडिकेटर है, ये ब्रेक लाइट है, नहीं इंडिकेटर ये है, और ये बैक लाइट है, रिवर्स करने वाली लाइट, इंडिकेटर यहाँ नीचे को, और ये हमारी ब्रेक लाइट. और 2 सेंसर जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है. और इसमें कुछ खास पीछे है नहीं. और ये स्पॉइलर टाइप लुक आ रखी है, तो स्पोर्टी ये पहले से ही लगती है गाड़ी. अभी मैं जब थंबनेल डालूंगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या है. और दूसरी साइड से भी क्या ही दिखाऊँ, सेम ही है. और इसको खोलने का थोड़ा तरीका बताता हूँ पीछे का. लाइक द स्विफ्ट है सेम, स्विफ्ट में बस थोड़ा खींचे खुलता है शायद, तो इसमें ऐसे अंदर को प्रेस करके खुल जाता है. तो ये इसका डोर है जो ओपन होता है. और क्या क्या मस्त लगा मेरे को वो भी मैं आपको बताता हूँ. सबसे बात जो इसकी अच्छी लगी मुझे इंटीरियर की, वो यहाँ पे एक एम्बिएंट लाइटिंग है जो कि अभी
चलेगी तो शायद इतनी अच्छे से दिखेगी नहीं, तो मैं वो वीडियो रात की या कुछ बना के डाल दूंगा जिसमें आपको वो दिख जाएगी, बाकी आपको गूगल पे भी दिख जाएगी वैसे वो, तो उसका भी कंट्रोल इसके अंदर है वैसे। और इसका सबसे बेहतरीन चीज़ और बहुत ही अच्छी चीज़ है जो इसका है, ऑडियो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिस्टम है, और कि बस क्या ही बताऊँ, वो आपको भी ऑडियो में चेक करा दूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं इसके ओडोमीटर की, जिसे स्पीडोमीटर भी कहते हैं। तो हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग मीटर है ये। 14.2 की एवरेज की लोकली अभी आ रही है और 701 किलोमीटर मैंने टोटली चला दी है, तो काफ़ी ठीक ठाक मैंने चलाई है, कोई ज़्यादा नहीं अभी रन करी, जिसमें कि मैं इसको कुफरी तक भी लेके जा चुका हूँ। तो जिसका व्लॉग मैंने बनाया है वो मैं अभी डालूंगा इसके बाद, पहले ये डलेगा व्लॉग, फिर मैं घूमने का व्लॉग डालूंगा। अभी वीडियो थोड़ी लेट होगी, डिले होगी, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा था कंटिन्यूस, वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो जैसे ही आपको बता रहा था मैं, हेडलाइट्स इसकी ऑटोमेटिक है, ये ऑटो पे है, और हमारा ये भी ऑटो पे है वाइपर, तो जैसी बारिश पड़ती है वाइपर ऑटोमेटिकली चलने लग जाते हैं। तो ये कुछ इसका इंटीरियर है, काफ़ी अच्छा लगता है, पीछे से दिखा देता हूँ, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। सीट कवर इसके पहले से लेदर वाले हैं, लेदर स्टिच्ड हमारा स्टेयरिंग व्हील है, क्रूज़ कंट्रोल का यहाँ पे पूरा कंट्रोल है, और ये हमारा म्यूज़िक सिस्टम का पूरा इसका कंट्रोल यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे जो भी चीज़ प्ले करते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी दिखाने लग जाता है ये ऊपर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे दो चार चीज़ें और हैं, ये एक ट्रिप भी है, ये पावर एंड टॉक, ये कुछ सेटिंग्स के लिए, ये डिस्टेंस टू एम्प्टी, और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। ये बहुत बेकार लगा मेरे को इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, क्योंकि हमें खुद अंदाज़ा लगाना पड़ता है, वो बताता नहीं है। अगर आप बीच में जा रहे हैं तो वो बीच में दिखाता नहीं कितनी आ रही है वो, अगर यहाँ पे बस डंडी ऐसे आगे पीछे आती जाती है, उससे हमें कोई अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ये कितनी एवरेज आ रही होगी। तो ये इसके सेंटर कंसोल की बात कर लेते हैं, तो इसका AC बहुत पावरफुल लगा मेरे को अभी तक, पर वैसे अभी गर्मी आई नहीं है तो इतना अच्छा से मैं बता नहीं पाऊँगा, बाकी गर्मी में पता लग पाएगा। ये इसका इंस्टेंट कूलिंग करने के लिए है इसका, तो शायद अभी बोलेगी नहीं, अभी नहीं बोल रही है, तो इसमें ऑटोमेटिकली वो बोल देती है। यहाँ पे देखो क्लाइमेट ऑफ, तो इसमें पिछले वाले मॉडल्स में यहाँ पे दो गोले से बने आते थे लाइक दिस, छोटे छोटे, जिससे आप कंट्रोल कर सकते थे इसके वॉल्यूम वगैरह, बट अब इसके अंदर ही डाल दिया गया है, तो वो मुझे शायद ज़्यादा अच्छा लगता, बट ठीक है, अब यहाँ इंट्रोज लिख दिया गया है, तो जो है ठीक ही है, करा है, कुछ चेंज किया है। और इसके अंदर हम बात कर लें तो यहाँ से इस मिरर का और उस वाले मिरर का कंट्रोल यहीं से हो जाता है, बस इसको आपको जिस साइड का मिरर करना है उधर को ऐसे मोड़ना है, और आप इसको ये देखो कर सकते हो, फिर इसको सेंटर में कर सकते हो, और अगर आपको इसको मिरर को बंद करना है तो इसको पीछे करके छोड़ दो, ये देखो बंद हो गया, फिर इसको वापस एक बार पीछे करोगे ओपन हो गया। तो ये इसका सिस्टम है कुछ। और इसके सेंटर की बात कर लें तो काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है यहाँ पे, तो काफ़ी स्पेस है, देखो सामान आ जाता है, ये मैंने एक चार्जर लगा रखा है, यहाँ से आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले रन कर सकते हो इसके अंदर है। यहाँ पे एक थोड़ी सी जगह है कुछ कैश वगैरह थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए, और ये मैग्नेटिक है, ये देखो यहाँ लो है और यहाँ पे मैग्नेट लगाया हुआ है कंपनी ने, तो काफ़ी पावरफुल मैग्नेट है, ये आगे हो गया, ये पीछे भी जाता है, तो सामान सामान रख सकते हो आप जितना भी आपने रखा है। और ये इकोनॉमी ड्राइव मोड और सिटी ड्राइव मोड के लिए है, जो इसके अंदर सामने आपको सिटी दिख रहा होगा। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, वो देखो बोलेगी, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो मेरा तो कहना है इकोनॉमी मोड पे बिल्कुल ना चलाओ लोकल, तो क्योंकि बहुत अंडर पावर जाती है गाड़ी, बिल्कुल भी नहीं भागती जितनी आपने भगानी है, कुछ भी, मतलब नॉर्मली भी जैसे आप गियर डाउन बार बार मांगती है, फिर तो हम इसे अभी सिटी मोड पे कर देते हैं, सिटी ड्राइव मोड तो एक्टिवेटेड। आपको दोबारा प्रेस करना पड़ेगा, तो आप ऑटोमेटिकली इसमें चली जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस दी गई है, आप हम तो फ़ोन भी रख लेते हैं यहाँ पे, बड़े आराम से फ़ोन आता है जो गिरता नहीं है, और ये लाइट वाइट दी हुई है पहले से ही, और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस रखने की जगह है, यहाँ मास्क पड़ा होगा मेरा, यहाँ पे सामान रख सकते हो आप, अभी ये उतरा भी नहीं है। और यहाँ पे मिरर दिया गया अपनी शक्ल देखने के लिए, या और बेल्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ से आप बेल्ट ऊपर नीचे कर सकते हो, तो इसका मुझे खास यूज़ पता नहीं है, शायद ये बच्चों के लिए दिया गया होगा। बात कर लेते हैं सामान रखने की, दोनों साइड सेम है वैसे, इधर थोड़ा सामान पड़ा तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई छोटा सा अम्ब्रेला आपका आता होगा मार्केट में, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, और यहाँ पे पानी की बॉटल और थोड़ा बहुत सामान आ जाता है, तो ठीक ठाक स्पेस है ये देखो। पर एक इसमें बहुत ही अलग सी चीज़ हो गई है कि मेरे साथ भी हुआ था, हमने जैसे स्टार्टिंग में हम लोग होता है कि यहाँ पे फ़ोन रख देते हैं इस जगह पे, तो आप फ़ोन रखोगे तो सीधा नीचे पहुँच जाएगा, देखो बीच में कुछ भी नहीं है, खाली है ये, तो ये चीज़ मैंने तुम नोटिस करी, मैं आपको बता दूँ। और ये ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है, बस आपको आगे पीछे करके वो सेट करना पड़ता है। और तो अब चलते हैं हम पीछे इसके, तो ये दो कर्टेंस पड़ी हुई थी,
एक बढ़िया सा हमको लेग स्पेस मिल जाएगा। देखो मैं आराम से यहाँ पे प्रॉपर बैठ सकता हूँ, तो कैमरा थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर पा रहा होगा। तो ये वाली सीट पूरी प्रॉपर पीछे जितनी मैं चला सकता हूँ, और मेरे जैसा बंदा ये देखो प्रॉपर आ गया पैर, हल्का फुल्का आगे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि ये जो हमारा सेंटर वाला एरिया है ये नीचे दबा हुआ है, उठा नहीं हुआ बाकी कार्स की तरह। रियर एसी वेंट्स है, इसके अंदर भी 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट है, और यहाँ पे थोड़ा सामान रखने की जगह है। और काफ़ी खुली डुल्ली गाड़ी लगती है, सेंटर में हमारा आर्म रेस्ट है हाथ रखने के लिए, और पीछे से देखो कितनी बड़ी लगती है। तो मतलब एक 4 to 5 पर्सन्स के लिए काफ़ी बढ़िया इस पर स्पेस है, काफ़ी अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हो गाड़ी को। और ऐसा कुछ इसका बैक साइड का एरिया है, इसके अंदर बूट स्पेस है काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी सामान आ जाता है इसमें। अभी मैंने वैसे खास रख के देखा नहीं है, पर देख के पता लग रहा है काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है। और टाटा की तरफ से आपको एक पंचर का पूरा सामान मिलता है, जिसके अंदर आपको हवा भरने के लिए पूरी एक वो मिलती है मशीनरी, जो मतलब जैसे हम खरीदते हैं मार्केट से 2000 तक की आती है, जिसमें क्या होता है कि वो आपके चार्जिंग पॉइंट से हवा भरने के लिए काम आती है, वो वाली मशीन है ये। और इन केस आपके उसमें पंचर लग गया हो तो इसके अंदर एक लिक्विड सा है, आप मशीन के ऊपर से टाइट कर सकते हैं और कुछ काफ़ी टाइम तक वो पंचर चल सकता है। तो यहाँ पे भी लाइटिंग है, यहाँ 3 kg का हुक है इस साइड, और इस साइड भी 3 kg का सामान टांग सकते हो, जो कि मुझे नहीं लगता कोई यूज़ करता होगा इतना। अब इसको उठाने की बात कर ले तो ये रहा इसका स्पेयर व्हील, तो जो मेरे ख्याल से इसका 15 inches का आता है, ये मुझे भी खास दिख नहीं रहा है इस पे टायर पे, ये रहा 14 inches है, ये देखो R14 फोकस नहीं हो पा रहा है, ये देखो R14, तो 14 inches का है इसके अंदर। तो इसका मेरे ख्याल जो बेस मॉडल आता है उसमें भी 14 inches के रिम आते हैं। तो यहाँ पे बंद करने की देखो जगह दे रखी है, बस आपने ऐसे करना और ये बंद हो जाएगा। मैंने आपको इसका एक चीज़ नहीं दिखाई, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को इसकी एक चीज़ और क्या अच्छी लगी। ये आ गया मैं को ड्राइवर साइड, सबसे अच्छी चीज़ इसकी मेरे को लगी एक ये, कितना ज़्यादा स्पेस आपको अब दिख जाएगा, ये देखो कितना सारा स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पे भी इतना एरिया है, पूरा हाथ अंदर चल जाता है, इस तरफ भी पूरा अंदर तक, और लाइटिंग भी पूरी है, बहुत लंबा है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा स्पेस है आप कितना भी, मतलब बाकी मेरे को मैंने बहुत गाड़ियाँ देख ली पर बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस है। आप इसके सेगमेंट की और गाड़ियाँ भी देख सकते हो, उसमें इतनी स्पेस नहीं आएगी। और यहाँ इसके नीचे एम्बिएंट लाइटिंग है जो भी ऑन नहीं हो रही है, उसे मैं देखता हूँ यहाँ से ऑन करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो एम्बिएंट लाइट का भी ऑफ आ रहा है, इसके लिए शायद कार बंद करनी पड़ेगी एक बार। ये देखो ये एम्बिएंट लाइटिंग ऑन हो गई है। तो अब करते हैं म्यूज़िक की टेस्टिंग। तो मैंने अपने दूसरे फ़ोन में एक NCS का गाना लगा दिया है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामने, अब इसको करता हूँ प्ले और आपको दिखाता हूँ स्पीकर्स का दम, थोड़ा वॉल्यूम देखना अभी।